हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल MJ's Mixup. होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग एंड एंजॉयिंग एज वेल एज प्रेइंग एज मच एज यू कैन इन दिस फ्यू रमजान डेज. तो ये वीडियो में मैं आप लोग के साथ हम लोग की रमज़ान की शॉपिंग शेयर करूँगी, जो हैदराबाद में हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग करे, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करे, ईद का प्रिपरेशन जो भी चल रहा उसकी शॉपिंग हॉल वीडियो बताऊँगी जितना डिटेल में हो सका. वीडियो को पूरी एंड तक देखिए. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स यू कैन कमेंट बिलो. फर्स्ट है ये फाइबर के ट्रेस, सर्विंग ट्रेस, या इसको आप इसमें प्लेटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ये लाड बाज़ार में जो स्टॉल्स लगे क्रॉकरी के बर्तन के वहाँ से लिए. फाइबर के डिशेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसको आप लोग. और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कुशन कवर्स, जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करें हम लोग. इसके रिंकल्स देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पुराने हो गए, लेकिन मैं इसको वॉश कर दी क्योंकि बस कपड़ों में ये प्रिंट का स्मेल जो आता ना तो थोड़ा इरिटेटिंग लगता, तो इसीलिए मैं इसको वॉश कर दी एक बार यूज़ करने से पहले, क्योंकि कुशन्स को ज़्यादातर लेट नहीं करने के लिए भी यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसको वॉश कर दी. यूज़ करने से पहले इसको एक बार आयरन कर लेते हैं हम लोग. इसका क्लॉथ ओके है प्राइस वाइज. तो ये 5 पीस का सेट मिला गोल्डन एंड बीच कलर में, हम लोग के थीम से सिमिलर और कॉम्बिनेशन हो रहा था इसे, तो ये ऑर्डर करे थे हम लोग फ्लिपकार्ट से. इसी के मैचिंग एक हम लोग को टेबल रनर भी मिल गया था फ्लिपकार्ट पे, तो ये टेबल रनर भी ऑर्डर कर दिए. पहले एक्चुअली टेबल रनर ही ऑर्डर करे, उसके बाद कुशन कवर्स करे थे. रमज़ान डेकोर की, सॉरी ईद डेकोर की भी मैं वीडियो शेयर करूँगी अगर हो सका तो पॉसिबल, तो आप लोग देखिए कि हम लोग कैसा डेकोर करने वाले हैं, थीम क्या रखने वाले हैं. देखिए एकदम बिल्कुल मैचिंग मिल गया कुशन कवर और ये टेबल रनर, तो भी फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करे थे. और फ्लिपकार्ट से अगर आप लोग कभी भी शॉपिंग कर रहे हैं तो सुपर कॉइन्स मिलते हैं ना, तो जब आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो सुपर कॉइन्स अगर अप्लाई करें तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है आपको उसके ऊपर. तो मैं जब भी ऑर्डर करती हूँ उस पर कॉइन्स यूज़ करती हूँ. और नेक्स्ट है ये फ्लावर वास, जो पत्थरगट्टी से लिए थे हम लोग स्ट्रीट शॉपिंग के लिए जब गए थे, तो ये वहाँ पर ऐसी एक स्टॉल लगी थी रोड पर, तो ये कलर थीम से थोड़ा मैच हो रहा था, अच्छा लगा थोड़ा फेस्टिव लुक के अकॉर्डिंग, थोड़ा शाइनी एंड शिमरी. इसको भी फोल्ड करके रखे थे, थोड़ा सा एकदम एक जगह हो गया, इसको थोड़ा स्प्रेड करने के बाद अच्छा लुक आता इसका. नीचे प्लास्टिक का पॉट है और ये फ्लावर्स के साथ थोड़े शिमर के लीव्स के स्टेम्स है. इसका प्राइस वो लोग 450 बताए थे, बार्गेन करने के बाद हम लोग इसको 250 में लिए. और मैं ये वीडियो जल्दी बना रही थी, सहरी का टाइम था, तो ये वीडियो लेने के बाद फिर सहरी भी प्रिपेयर करना था, तो मैं सब प्रोडक्ट्स को ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं ली. सोफ़ा कवर है ये भी पत्थरगट्टी से ही लिया, वहाँ पर जो स्टॉल्स हैं परमानेंट जो रहते हैं हमेशा बेडशीट सोफ़ा कवर फर्निशिंग के रिलेटेड, वहीं से लिया ये सोफ़ा कवर. तो ये सेम यही कलर में हम लोग को कुशन कवर चाहिए था, लेकिन ये कलर थोड़ा रेयर कलर था कि वीडियो में डिफरेंट आ रहा है, ये लाइट पीच शेड में या लाइट पर्पल शेड में है, तो ये कलर में कुशन कवर्स नहीं मिले, तो इसलिए कॉम्बिनेशन में गोल्डन कलर के हम लोग कुशन कवर्स ले लिए सोफ़ा पर और दीवान पर रखने. क्लॉथ अच्छा है इसका, एवरेज है अकॉर्डिंग टू प्राइस. और इसके बॉर्डर्स पर भी ये सब पाइपिंग टाइप बना हुआ है, तो अच्छा फिक्स्ड रहते हैं इससे, इसके थ्रेड्स नहीं निकलते. अनदर प्रोडक्ट विच वी हैव ऑर्डर फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो ये रमज़ान में ही ऑर्डर करे थे, तो ये वुडन बॉक्स है छोटा सा कंटेनर या बाउल पे लिड के साथ में, तो इसमें डेट्स रखने के लिए खरीद हम लोग. उसके कॉर्नर्स पर जो नीचे बॉटम है ना फिनिशिंग उतनी नीट नहीं है इसके, ओके है, लेकिन ऊपर का साइड और लिड हैंडल वगैरह अच्छा है, बहुत क्वालिटी भी अच्छी है. और एकदम जो पेंट की स्मेल आती वो नहीं आ रही थी इसमें, ज़्यादातर ये वुड के प्रोडक्ट्स में स्मेल आती, इसमें स्मेल नहीं आ रही थी. ऐसा एक ऑर्डर करे हम लोग, लेकिन वो टूटा हुआ आया, तो उसको रिप्लेसमेंट में डाले रिप्लेसमेंट के बाद, लेकिन वो ईद के बाद आ रहा. और ये शालीबंडा से वॉच लिए एक ड्राइंग रूम के लिए, वहाँ की वॉच ख़राब होगा, बहुत टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया,
तो प्रॉब्लम हो रही थी थोड़ा टाइम देखने के लिए, तो ये अभी ईद के मौके पर सोचे कि वॉच भी ले लें, तो एक वॉच ली है भैया, रोज़ गोल्ड कलर में है ये, इसके कॉर्नर्स जो बॉर्डर है। और थोड़ी बड़ी साइज़ में चाह रहे थे मम्मी, थोड़े बोल्ड नंबर्स में, ताकि दूर से भी देख सके मम्मी लोग कोई भी बड़े जने। ज़्यादातर शॉपिंग हम लोग घर के रिलेटेड ही करें, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो कपड़े वगैरह का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता जैसा बचपन में होता। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ईद के खाने में शिरखुरमे का सामान सेवैयाँ, तो हम लोग ऐसे भुनी हुई सेवियाँ लेते ज़्यादातर नहीं, हमेशा ही भुनी हुई सेवियाँ लेते, और घी, ये ड्राई फ्रूट्स और सेवियाँ फ्राई करने भुनने घी में, और थोड़ा सर्विंग के टाइम पे भी ऊपर से यूज़ करते हैं ना उसके लिए। ईद की भी अभी सारी कुकिंग प्रिपरेशन भी कर कर रखना है, और ये शिरखुरमे के लिए डेट्स और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स सबको कट करके फ्राई करना है। ईद की भी अभी कुकिंग प्रिपरेशन भी करनी है सारी, तो सब कुछ हम लोग एक जगह भी रख लिए जल्दी जल्दी से प्रिपेयर करने, कुछ भी इधर उधर हुआ तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता। दैट्स मन्ना ड्रेस फॉर ईद, तो ये सुबह में पहनाने के लिए लिए हम लोग, क्योंकि अभी गर्मी है तो ये कॉटन में लिए, अगर कुछ दावत रही या शाम के टाइम पहना रहे हैं दूसरा आउटफिट लिए, ये मॉर्निंग में पहनाने लिए कॉटन का, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही, तो ये मीनार गार्डन से लिए हम लोग गरारा और ऊपर फ्रॉक है, और ये छोटा सा क्यूट दुपट्टा साथ में रेड कलर में, बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल है ये फैब्रिक इसका। तो हम लोग जब मीनार गार्डन गए तब लिए, अगर आप लोग मीनार गार्डन की वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो ज़रूर देखे, मेरे चैनल पर है। और हम लोग के सबके ड्रेसेस टेलर के पास है, तो मैं हम लोग के शायद इंशाल्लाह ईद के व्लॉग में शेयर करूँगी ड्रेसेस आउटफिट्स जो भी है हम लोग के ईद के, उतने कुछ ख़ास शॉपिंग और ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने हम लोग का ईद का। और सबसे ज़रूरी चीज़ ईद की है ना, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम मिलता नहीं आजकल ईद पर मेहंदी डलाने, लेकिन कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो लगाने की, तो ये हम लोग के लिए और बच्चों के लिए लिए मेहंदी हम लोग। वीडियो के बैकग्राउंड में ये मेहंदी के लिए लड़ाई भी चल रही है हमारे पास, तो ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें लिए हम लोग, ये जो छोटे छोटे वेंडर्स रहते हैं ना स्ट्रीट पर वहाँ से, तो ये मेटल का क्लच लिए, एक स्टोन्स लगा हुआ देख सकते हैं आप लोग, क्वालिटी अच्छी है इसकी। और ये छोटा सा ब्रेसलेट है मन्ना का पर्ल्स का, पर्ल्स और स्टोन्स में, और ये छोटे से क्रंचीज फॉर रेगुलर यूज़। और ये ईद के दिन माउथ फ्रेशनर्स, बच्चों के फेवरेट, जिसको छुपा के रखना पड़ता है, ये वीडियो भी लेने के लिए मैं मन्ना से छुपा कर जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ थी, उन्होंने भी सता रहे थे देने के लिए, लेकिन उतने में आ गए। इसमें दो तीन वैरायटीज़ लिए, मिक्सचर आता सुकमक आती सौंफ, और ये वाइट सौंफ और मल्टी कलर की आती ना, दो तीन वैरायटीज़ रहते ना इसमें, तो वो सब थोड़े थोड़े से ले लिए हम लोग। तो ये सर्व करने के लिए एक वही वुडन बॉक्स हम लोग ऑर्डर करे थे, लेकिन वो टूटा हुआ आया, तो हम लोग सेम डे रिप्लेसमेंट के लिए उसको रिक्वेस्ट करे, लेकिन वो ईद के बाद आ रहा, तो अभी इसका कुछ सब्स्टिट्यूट भी अरेंज करना है हम लोग को ईद से पहले, घर पर ही जो कंटेनर है उसी में। अभी ये सब कुछ चीज़ों की ईद तक हिफाजत करना है, क्योंकि अभी से ही इसके लिए मना की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार, ये चाहिए ये वाले। और ये हम लोग उनको बिजी रखने पेन दिए थे, तो उन्होंने बुक छोड़कर उनके हाथ पे ड्राइंग बनाए सारी। एंड दैट्स तबश बैंगल्स फॉर ईद ड्रेस, तो ईद के ड्रेस के मैचिंग बैंगल्स लिए, एग्जैक्ट कलर में नहीं मिले, थोड़ा सा लाइट डिफरेंट शेड में मिले, तो ये आजकल जो छोटे से हैंगिंग्स आ रहे ना बैंगल्स पे लगे हुए, वैसे टाइप में है ये, बोथ के या छोटे से पर्ल्स के इस पर हैंगिंग्स है लगे हुए, जो कुछ टाइम पहले भी देखे थे हम लोग, तो सोचे कि ईद पर अगर सेम ड्रेस पे मैचिंग मिले तो लेंगे, तो मिल गए हम लोग को तो लिए। और कुछ ऐसे ही अलग कलर्स में बैंगल्स लिए पसंद आए, तो कोई भी ड्रेस पे मैच होने या कोई भी ड्रेस के साथ पहने, तो वो रेड वाले ग्लास बैंगल्स है, और वो पिंक वेलवेट बैंगल्स है, और ये लार बाज़ार से ही इयररिंग्स लिए स्टोन्स में, कुंदन के पार्टी वेयर टाइप में।
और ये और एक पेयर है ईयर रिंग्स का, ये भी लाल बाजार से ही लिए हम लोग, कुंदन और पर्ल्स हैंगिंग्स के साथ में है ये। और जो बना के हाथ में बैंगल्स है वो भी लाल बाजार से लिए, शी इज़ अ बिग फैन ऑफ बैंगल्स। मनोज करें खेले रहे लो। मीनार गार्डन से ये कॉटन के ड्रेस मटेरियल लिए हम लोग, 3 सूट्स लिए, ये वाइट एंड पर्पल में एक लिए जिसके नेक पर थोड़ा सा पैच वर्क पे थोड़ा सा मिरर वर्क करा हुआ है। तो ये 500 के जो ड्रेसेस थे मैं वीडियो में भी दिखाई, अगर आप लोग मीनार गार्डन की वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। तो वहाँ से ये ड्रेसेस लिए हम लोग, 3 पीस शर्ट बॉटम एंड दुपट्टा, ये और एक रेड में है जिसके बॉर्डर पर ये थोड़ा सा थ्रेड वर्क है। इसका क्लॉथ और लेंथ अच्छी है ये दोनों सूट्स की, कपड़ा भी अच्छा बड़ा है, दुपट्टा भी बड़ा है, प्रॉपर आप नमाज के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके दुपट्टे ने। तो ज़्यादातर ड्रेस मटेरियल के दुपट्टे छोटे आ रहे हैं आजकल। और ये और एक सूट लिए वहीं से, ये तीनों भी एक ही स्टॉल से लिया हम लोग। लेंथ कम है ये वाले की, तो इसका थोड़ा शर्ट की लेंथ कम है ये वाले की, जो पर्पल कलर का आप लोग देख रहे हैं, इस पर थोड़ा सा नेक पे घीटी वर्क करा हुआ है, थ्रेड वर्क, प्लेन बॉटम है और ये प्रिंटेड दुपट्टा है। इसका भी दुपट्टा अच्छा है लेकिन इसके शर्ट की लेंथ कम है थोड़ी सी। और ये हम लोग स्टिच भी नहीं कराए क्योंकि अभी रमज़ान में टेलर्स का तो डिमांड आप लोग को पता ही है। अगर टाइम मिला रमज़ान के बाद तो मैं कोशिश करूँगी स्टिच करने की। और इस पर ये कुछ मिस प्रिंट है या डैमेज है पता नहीं, थोड़ा सा प्रिंट ख़राब है ये वाले ड्रेस पे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही बताइए। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। Till then, stay happy, take care of yourself and your family, and do not forget us in your prayers. Bye. फिर हम लोग ये पिज़्ज़ा enjoy करें which was made by my younger sister. तो हम लोग को ये सहरी से पहले भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो हम लोग पिज़्ज़ा बनाए as a snack to have. Ramadan, Ramadan.